सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और ये स्टेप सारे ध्यान से देखो ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाओगे गाइस। इधर आप सामने दो मतलब मैं फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दो फाइल दिया है, दो फाइल देख रहे हो गाइस ठीक है, White444 कॉन्फिग वन टैप और ये से, इसको क्या करना है दोनों को स्ट्राइक कर लेना है ठीक है, एक सेंसिटिविटी और एक वन टैप वाला, तो आप क्या करना है दोनों को स्ट्राइक कर लेना है, इजी हो जाएगा ठीक है, और ध्यान से देखो गाइस ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाए। तो दोनों स्ट्राइक होने के बाद क्या करना है, सिंपल सा जो एक फाइल है गाइस वन टैप वाला, उसको क्लिक करने के बाद ऐसा दो फाइल आएंगे, तो मल्टी सिलेक्ट कर लेना है ये दोनों को ठीक है। मल्टी सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों क्या करना है, कट कर लेना है। तो गाइस जैसे ही कट करेगा आपके ऊपर क्लिक करके डिवाइस मेमोरी में जाना है, डिवाइस मेमोरी के बाद एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के बाद डाटा और कॉम डॉट डी टी एस जो फायर होता है फ्री फायर का, वहाँ पर जाना। और गाइस यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन जो है आई एल टू सी पी पी गाइस, वहाँ पर क्लिक करने है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है ठीक है। तो गाइस आप पेस्ट कर दे रहे हो, तो आप पेस्ट करने के बाद क्या करें, सिंपल से फिर से डाउनलोड में जाना है कि आप दूसरे फाइल के बारे में, तो दूसरा जो सेकंड फाइल उसे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इस सबको मल्टी सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। तो मैं इसे मल्टी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरह कट कर लेना है जिस तरह आप पहले किए थे। तो कट करने के बाद आप क्या करना है गाइस, ये सब ध्यान से देखो ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में जाना है फिर से गाइस, तो वही कॉम डॉट डी टी एस फ्री फायर वाला फाइल में जाने के बाद फाइल और कंटेंट केच में जाना है, उसके बाद कंपलसरी, उसके बाद एंड्रॉयड और गेम सेट बंडल्स में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, तो गाइस आपका ये हेडसेट वाला जो है अब काम करेगा ठीक है। आप फ्री फायर खोल सकते हो और जो बैकग्राउंड में आपने मेरा गेम प्ले देखा था वही सीखा था। चलो गाइस बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना मेरे भाई।